हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती। तो आज मैं आपको अपना एक बिगोनिया का प्लांट दिखा रही हूँ जो काफ़ी खूबसूरती से आजकल ग्रो हो रहा है। और इसका मुझे एक्चुअल नेम नहीं पता, तो ब्लैक ब्यूटी भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। तो ये मैं लेके आई थी कहीं से, काफ़ी मतलब वहाँ पे था, ऐसे क्यारी टाइप की बनी हुई थी, लेकिन उतना हेल्दी नहीं था। तो मैंने दो इसके प्लांट्स लिए थे, एक पे रूट थी, एक पे नहीं थी। और अभी ये जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो जैसे ये शायद हम क्यारी जिस तरह से होती है तो वहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे एक हेज टाइप का बना सकते हैं, तो ये उसी वे में ग्रो हो रहा है। तो यहाँ से ऊपर के ऊपर इस तरह से। तो ये जो प्लांट है मैंने यहाँ पे काफ़ी देखा है शिलोंग में, और आजकल तो इस पर बहुत सुंदर फूल आए हुए हैं। काफ़ी दिन से है लेकिन इसकी वीडियो नहीं मैंने बनाई। तो इस पर देखिए, काफ़ी मतलब कि जो फूल हैं काफ़ी तरह के हैं, पिंक हैं, बीच में से हल्के हल्के डॉट्स भी हैं, किसी का कलर डार्क है, किसी का लाइट है, और बीच में छोटा सा येलो भी इसके बने हुए हैं हेयर टाइप के। तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, अभी ये झड़ रहे हैं मतलब बीच बीच में से। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं इसकी। और ये जो प्लांट है बहुत ही लो केयर है इसकी, मतलब आप बस इसको ज़्यादा पानी ना दें। मैं इसको दो तीन दिन बाद वाटरिंग करती हूँ जब इसकी मिट्टी अच्छे से सूख जाती है। तो पहले ये अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने देखा इसको अच्छे से और इसके जो पत्ते थे वो भी अलग ही शेप ले रहे थे, जैसे मुड़ जाते थे बीच में। तो फिर मैंने इसको थोड़ा देखा, उसके पुराने पत्ते हटाए, तो फिर सडनली एकदम से इसकी जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी हो गई। लेकिन उस दिन के बाद मैंने लगभग हो गए होंगे 15-20 दिन या 1 मंथ हो गया होगा, मैंने इसका कोई भी लीफ नहीं हटाया है। तो अभी इसके आप सारे लीव्स देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो एक अलग ही शेप आ गई है, पहले कुछ और शेप थी, तो जैसे एंजल के विंग्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही है। तो वैसे तो हमने राउंड शेप में ऐसे पत्ते देखे हैं, या फिर ये चीज़ जो है इस साइड पे होती है, लेकिन इसकी एक साइड को जा रही है, तो अलग ही डिफरेंट ही इसकी ग्रोथ है। और इस पे जो कलर हैं इसके बैक साइड पे कुछ और हैं और फ्रंट साइड पे कुछ और हैं, तो जो कि इसको मल्टी शेड भी बनाता है। तो बिगोनिया एक अलग वैरायटी होती है जो मेरे पास पहले जो सर्दियों में मिलते हैं, तो ये उस टाइप की नहीं है, ये कुछ और वैरायटी है। और इसके जो लीव्स होते हैं थोड़े वेलवेटी से होते हैं, तो शाइन नहीं करते हैं, तो डल होते हैं वैसे, तो मतलब इसमें जो चमक है वो नहीं होती है। और इसके जो फूल हैं वो इसी के पत्तों से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो ऐसे बंचेस में आते हैं। तो तीन अभी इसकी जो ये स्टिक्स हैं वो निकली हैं, अभी आगे पता नहीं निकलेंगी या नहीं। तो मैंने इसको कुछ किया नहीं, अभी छेड़ा नहीं है, ऐसे एज इट इज ही रहने दिया है, और आगे से आगे इसकी जो ग्रोथ है वो हो रही है। पर जो इसके फूल मैंने यहाँ पे पहली बार ही देखे हैं, तो मतलब मैंने जितने भी यहाँ पर प्लांट्स इसके देखे हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन फूल किसी पे नहीं देखा। तो फूल मैंने अपने पास ही इसके देखे, हो सकता है होते हों, मैंने ध्यान नहीं दिया हो। तो आज की ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।